इसलिए इस तरह का, ये देखिए बहुत बड़ा चिकन जब रहता है तो इस तरह का अंदर दिखने को मिलता है ना, तो खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। चिकन देखिए, चिकन तो लाजवाब है भाई, इतना बड़ा चिकन का पीस तो हम आज तक किसी भी बिरयानी में नहीं देखे हैं। ये तो भैया नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरा नए हिंदी ब्लॉग में। ठीक है, तो इसके पहले वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे कि बॉम्बे बिरयानी का मैं दिखाया था नईहाटी में, और उसी तरह नईहाटी में एक और फेमस बिरयानी है। ठीक है, तो नाम आप लोगों ने पहले ही देखा, ये राज केबिन, ये राज केबिन का बिरयानी बहुत फेमस है। चलिए तो एक बात बोलता हूँ कि आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बिरयानी क्यों दिखा रहा हूँ, तो भैया जब कोलकाता का बात आता है ना, तो यहाँ पर दो ही खाना का नाम सबसे ज़्यादा आता है, पहला है यहाँ का मिठाई यानी कि रसगुल्ला, और दूसरा है बिरयानी। ठीक है, तो अगर मैं अगर बिरयानी ही ना दिखाऊँ तो मेरा ब्लॉगिंग ही बेकार है। तो चलिए यहाँ का फेमस से फेमस बिरयानी आपको मैं पूरा टूर कराऊँगा नए नए ब्लॉग्स में। तो आज इसी तरह आ गए हैं नईहाटी के एक दूसरे फेमस बिरयानी राज केबिन में। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ का रेट जानेंगे, सब कुछ देखेंगे कि कैसा है यहाँ का बिरयानी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर जो बाहर बैठने का व्यवस्था है, वहाँ पर अगर नॉन एसी, मतलब नॉन एसी में अगर आप खाइएगा कोई भी खाना, तो आपको जो चार्ज पड़ेगा उससे 10 रुपये ज़्यादा चार्ज पड़ता है यहाँ पर जो एसी रेस्टोरेंट है इसका। ठीक है, अभी हम लोग एसी रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ पर खड़े हैं, तो एसी रेस्टोरेंट के अंदर आप कोई भी खाना खाइएगा तो 10 रुपये ज़्यादा आपको चार्जेस पड़ेगा। तो चलिए अंदर जाते हैं, बिरयानी ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ का बिरयानी। चले आइए। तो भैया फाइनली ये आ गया है राज केबिन का फेमस चिकन मटन, दोनों बिरयानी यहाँ पे मिलता है फेमस। ठीक है, तो आज हम चिकन ले लिए हैं क्योंकि इसके पहले तो आप लोगों को मटन बिरयानी हम दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा मटन बिरयानी हो जा रहा है वीडियो, तो चलिए इसलिए सोचा कि एक चिकन बिरयानी का भी वीडियो कर ले। तो राज केबिन का ये जो चिकन बिरयानी है ये तो हम बाद में दिखा रहे हैं, पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का मेन्यू दिखा देते हैं। यहाँ पर पूरा ये मेन्यू है। अब आते हैं बिरयानी के, तो बिरयानी देखिए ये फुल प्लेट बिरयानी है, इसमें देखिए ये देखिए बिरयानी कितना जूसी है, ये देखिए पूरा जूसी बिरयानी। इसके पहले जो आप लोगों को हम दिखाए थे बॉम्बे बिरयानी, वहाँ का बिरयानी ड्राई था बट वहाँ पर बहुत ऑयली भी था। ठीक है, तो ये ड्राई नहीं है, ये जूसी बिरयानी है लेकिन ऑयली किसी तरह से नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब दिखाते हैं यहाँ का आलू, ये भी देखिए यहाँ का एक फुल इतना बड़ा आलू, इतना गर्म है कि पकड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर भी छुड़ा के देखते हैं, इस तरह दाब के देखिए कितना वेल बॉइल्ड है कि जस्ट थोड़ा सा दाबे और ये आलू पूरा मोम की तरह से पिघल गया। राइस की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भी पूरा खिला खिला राइस है, लंबा लंबा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। अच्छा अब यहाँ पर चिकन दिखाते हैं, तो ये रहा चिकन का पीस। हाँ, चिकन देखिए, चिकन तो लाजवाब है भाई, इतना बड़ा चिकन का पीस तो हम आज तक किसी भी बिरयानी में नहीं देखे हैं। ये देखिए ये फुल लग रहा है, एक साइड का जो लेग पीस होता है ना, लेग का पूरा जो साइड होता है चाप वगैरह में जो यूज़ होता है उस तरह का पीस है। ये देखिए पूरा इतना बड़ा पीस है। ठीक है, इतना बड़ा पीस है तो खाते समय तो दिखाएंगे ही। अच्छा अब राइस की बात करें, तो इतना बड़ा, इतना सारा राइस मेरे अकेले के खाने लायक है नहीं, मतलब हम नहीं खा पाएंगे अकेले। तो चलिए मैं आकाश के लिए हाफ यहाँ से बिरयानी निकाल देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बिरयानी का टेस्ट कैसा है। तो ये देखिए ये रहा आकाश का बिरयानी, आकाश को अलग से कर दिए हैं, हम ज़्यादा बिरयानी तो खा पाते नहीं हैं। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, बंगाल का बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी में अलग क्या है कि हैदराबादी बिरयानी में कोई आलू नहीं रहता है, और बंगाल का बिरयानी में आलू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बंगालियों का इमोशन है ये आलू। ठीक है, तो आलू बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। तो ये रहा मेरा बिरयानी, और चम्मच को हम कर दिए हैं साइड, क्योंकि चम्मच से भाई खा के हमको तो अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हम हाथ से ही खाते हैं हर जगह बिरयानी। तो चलिए अब आलू के साथ पहले खा के देखते हैं थोड़ा सा यहाँ का बिरयानी कैसा लगता है। तो टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट तो लाजवाब है, लेकिन बॉम्बे बिरयानी और यहाँ का राज केबिन का बिरयानी दोनों में लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ का बिरयानी जूसी है, ये देखिए हम पहले ही जो बोले यहाँ का बिरयानी जूसी है,
ये लेकिन ऑयली नहीं है, ऑयली नहीं बोल सकेंगे इसको, ये जूसी बिरयानी है, ठीक है। तो और थोड़ा सा खा कर देखते हैं राइस के साथ। अच्छा, राइस तो हम दिखाएं कि यहाँ का राइस कैसा है, कि बॉम्बे बिरयानी से बिल्कुल टेस्ट अलग है, और बिरयानी मसालों का फ्लेवर भी लेकिन बहुत अच्छा तरह से आ रहा है। और एक चीज़ बोल दें कि इत्र का कोई ज़्यादा गंध नहीं आ रहा है, इत्र का कोई मतलब लगभग समझे तो गंध ही नहीं है, जिसके कारण खाने को और अच्छा लग रहा है। ज़्यादा इत्र का अगर स्मेल आने लगता है तो खाने का मन चला जाता है, तो इत्र का ज़्यादा सेंट नहीं है। चलिए अब चिकन दिखाते हैं, देखिए चिकन कितना वेल बॉइल्ड है, इधर लेके आओ, देखिए तो बहुत लग रहा है कि किसी बड़ा चिकन का पीस है, इसलिए इस तरह का, ये देखिए बहुत बड़ा चिकन जब रहता है तो इस तरह का अंदर दिखने को मिलता है, रेसे रेसे रेसादार इस तरह का चिकन रहता है, ठीक है। तो खा के देखते हैं कैसा लगता है। जैसा कि हम बोले बहुत बड़ा चिकन का पीस है और उसी में से ये पीस दिया गया है, ये पूरा एक जो चिकन चाप में जिस तरह का पीस दिया हुआ रहता है वही एक पूरा पीस दिया गया है यहाँ पे, एक फुल प्लेट मतलब चिकन बिरयानी में। तो चिकन अलग से बोलने के लिए कुछ है नहीं, अंदर मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा तरह से मिल रहा है, जो बिरयानी मसाला का जो दम दिया गया है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा तरह से मिल रहा है, लेकिन चिकन इतना जब बड़ा हो जाता है ना तो खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, चिकन अगर थोड़ा सा छोटा हो तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसे बाकी बिरयानी ठीक है, बिरयानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिरयानी बहुत अच्छा लग रहा है, बस चिकन में थोड़ा सा हमको इतना बड़ा चिकन पसंद नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ बिरयानी लाजवाब बिरयानी, ठीक है। तो राज कुजीन का नाम बहुत है, अगर कोई भी आए नैहाटी तो नैहाटी जस्ट जहाँ पर ये राज कुजीन है ठीक उसके उल्टा तरफ ही नैहाटी स्टेशन है, मतलब नैहाटी स्टेशन का एक नंबर प्लेटफॉर्म से अगर बाहर निकलिएगा किसी से ही पूछिएगा, जस्ट बगल में रोड का इधर उधर, रोड का उस साइड मतलब नैहाटी जंक्शन है और रोड का इस साइड है राज कुजीन, किसी से ही पूछिएगा बता देंगे। तो गूगल मैप लोकेशन हम दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस दे देंगे। अच्छा, बिरयानी तो आप लोगों को दिखाया, बिरयानी के साथ यहाँ पर देखिए अलग से यहाँ पे सलाद दिया गया है, सलाद में देखिए यहाँ पर प्याज, ये चटनी, धनिया का चटनी है, ठीक है, साथ में यहाँ पे खीरा और कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है, बस इतना ही कुछ है सलाद में, तो सलाद वगैरह तो सब फ्री है। तो दोनों बिरयानी हम खाएं, बॉम्बे बिरयानी और नैहट्टी का ये दूसरा राज कुजीन बिरयानी, दोनों लेकिन हमको लाजवाब लगा। आप लोग कभी कोई नैहट्टी का इस बिरयानी को ट्राई किए हो कि नहीं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो और अगर मेरा बॉम्बे बिरयानी का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, साथ में आई बटन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, तो जाके देख लीजिएगा ज़रूर। बाकी ये मैं पूरा बिरयानी अब खा के ख़त्म करता हूँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो भी बताइएगा, ख़राब लगे तो भी बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, कर लीजिए ना सब्सक्राइब, हमें भी अच्छा लगता है नया नया वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो चलिए सब्सक्राइब करके बगल में जो ऑल है नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में नया कोई स्ट्रीट फूड रिव्यू लेके, फिलहाल के लिए गुड बाय।